नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार जैन फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज करौली। आज हम थर्ड ईयर के सब्जेक्ट एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के चैप्टर नंबर 6 डिजाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के कंपोनेंट्स जो है उसका एक टॉपिक है लाइन इंसुलेटर, उसके बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोज़ में हमने डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से के जो कंपोनेंट्स हैं कंडक्टर और लाइन सपोर्ट, उसके बारे में बात कर लिया था। आज हम बात करेंगे इंसुलेटर्स के बारे में। इंसुलेटर मेन पर्पज़ क्या है? सिंपल है, इंसुलेटर का काम जो है वो है कि दो लाइव पार्ट्स को आपस में इंसुलेट करना, या एक लाइव पार्ट और मेटल को जो है इंसुलेट करना। ये इंसुलेटर का मेन पर्पज़ है, जो पर्पज़ हमने यहाँ लिखा हुआ है। इसके अलावा जो है, जो हमारा जो ट्रांसमिशन है वो ओवरहेड ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस सिस्टम को सक्सेसफुल बनाने के लिए या इस सिस्टम के लिए जो है हम कंडक्टर और और लाइन सपोर्ट्स, या यूं कहें टावर्स जो काम में लेते हैं, उन दोनों के बीच में जो इंसुलेशन है वो प्रोवाइड कराने के लिए इंसुलेटर काम में लिए जाते हैं। इन केस ऑफ हाई वोल्टेज ओवरहेड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, द ट्रांसमिशन टावर्स और पोल सपोर्ट द लाइन एंड इंसुलेटर आर यूज्ड टू इंसुलेट द लाइव कंडक्टर फ्रॉम द ट्रांसमिशन टावर। इसके अलावा द इंसुलेटर यूज इन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कैरी लार्ज टेंशनर और कंप्रेसिव लोड। अब हम बात करें कि प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए इंसुलेटर की। ओवरहेड लाइन इंसुलेटर प्रॉपर्टी यही कि हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होना चाहिए, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, और टेम्परेचर वेरिएशन पे भी विदस्टैंड करना चाहिए, पंक्चर नहीं होना चाहिए वोल्टेज बढ़ने के साथ साथ। तो ऐसी कुछ जो है रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या क्या हैं? हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू विदस्टैंड कंडक्टर लोड, विंड लोड और आइस लोड एक्सेट्रा। मैकेनिकली स्ट्रेंथ होनी चाहिए, क्योंकि ये कंडक्टर का लोड, विंड लोड, आइस लोड भी जो है वो वेव बियर कर सके। हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन ऑर्डर टू अवॉइड लीकेज करंट टू अर्थ। जो है हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस होना चाहिए ताकि लीकेज करंट को अवॉइड किया जा सके। हाई रिलेटिव परमेबिलिटी सो एज टू प्रोवाइड हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। द इंसुलेटर मटेरियल शुड बी नॉन पोरस, फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटीज, अदरवाइज परमिटी विल बी लोअर्ड। हाई रेशियो ऑफ पंक्चर स्ट्रेंथ टू फ्लश ओवर वोल्टेज, अवेलेबिलिटी टू विदस्टैंड लार्ज टेम्परेचर वेरिएशन। ओवरहेड लाइन इंसुलेटर मटेरियल्स, जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं वो क्या क्या हैं? जनरली पोर्सलिन, ग्लास, सिंथेटिक रेजिन, ये जो है इंसुलेटर्स बनाने में हम मटेरियल्स काम में लेते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज मटेरियल फॉर द ओवरहेड लाइन इज पोर्सलिन। पोर्सलिन इज ए क्रेमिक सेरेमिक मटेरियल है। ए ग्लास इज ऑल्सो यूज एन इंसुलेटिंग मटेरियल इंस्टेड ऑफ पोर्सलिन, बट ये जो है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज एसी या डीसी में काम में आता है। टाइप्स ऑफ ओवरहेड लाइन इंसुलेटर, लाइन इंसुलेटर में जो काम में आते हैं, कौन कौन से इंसुलेटर काम में आते हैं, सबसे पहला है नाम आता है पिन इंसुलेटर। पिन इंसुलेटर आप देख रहे हैं, ये डायग्राम है पिन इंसुलेटर का। ये जो है ये खांचा है, ये इसको ग्रोव बोलते हैं, ये शेड्स हैं या शेड्स ऑब्लिक पेटीकोट बोलते हैं, जो कि रेन से इसको सेफ करता है। ये सीमेंटिंग है, ये गैल्वनाइज स्टील पिन है। तो पिन इंसुलेटर इट इज़ प्रॉपरली यूज इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में काम में आता है 33 केवी की लाइन के लिए। 33 केवी तक ये जो है हम इसको काम में लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। दे आर सिक्योर्ड ऑन द क्रॉस आर्म ऑफ द पोल टू कैरी पावर लाइन्स। There is a groove on the upper end of a pin insulator for housing the conductor. ये जो है ये conductor को house करने के काम में जो है ये grooves लगा हुआ है, ये grooves है।
कंडक्टर वायर इज पास थ्रू दिस ग्रूव एंड सिक्योर्ड बाई बाइंडिंग विद द सेम वायर एज ऑफ कंडक्टर. टू ओवरकम रेन प्रॉब्लम, रेन प्रॉब्लम को कम करने के लिए पिन इंसुलेटर आर डिजाइन विद रेन शेड्स और पेटीकोट्स. ये जो है इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है रेन प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए. बियॉन्ड ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ 33 kV पिन इंसुलेटर बिकम टू बल्की एंड अन इकोनॉमिकल. इससे 33 kV से ज़्यादा पे अगर हम इस पिन इंसुलेटर काम में लेना चाहें तो ये थोड़े भारी और इकोनॉमिकली नहीं होते. नेक्स्ट है जो इंसुलेटर काम में आता है वो है सस्पेंशन इंसुलेटर, जो कि बहुत ज़्यादा काम में आता है. एज इट इज़ ऑलरेडी मेंशन अबोव पिन इंसुलेटर बिकम्स टू बल्की एंड इकोनॉमिकल बियॉन्ड 33 kV. सो फॉर वोल्टेज हायर देन 33 kV सस्पेंशन इंसुलेटर आर यूज. इससे 33 से ऊपर की अगर हम बात करें तो इसके लिए हमें जो है सस्पेंशन इंसुलेटर काम में लेते हैं. सस्पेंशन इंसुलेटर जो है वो एक डिस्क टाइप के होते हैं. हम इसके लिए जो है एक स्ट्रिंग काम में लेते हैं, डिस्क की स्ट्रिंग्स काम में लेते चले जाते हैं और प्रत्येक जो है डिस्क का एक इंसुलेटिंग जो है वो वोल्टेज के लिए जो एक लेवल होता है कि 11 kV के लिए है. और फिर जिस हिसाब से हम वोल्टेज के लिए काम में लेते जाते हैं उस हिसाब से उसकी डिस्क की जो है संख्या बढ़ाते जाते हैं और स्ट्रिंग को जो है बढ़ाते चले जाते हैं. फिर पॉइंट है ए सस्पेंशन इंसुलेटर कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ पोर्सलिन डिस्क. देखा पोर्सलिन डिस्क जो है ये इस तरह की पोर्सलिन डिस्क काम में लेते हैं, 1, 2, 3 और ऐसे ही अगर ज़्यादा है तो स्ट्रिंग बनाते चले जाएंगे. टू ईच अदर पोर्सलिन डिस्क कनेक्टेड टू ईच अदर विद मेटल लिंक्स इन द फॉर्म ऑफ ए स्ट्रिंग. लाइन कंडक्टर इज सस्पेंडेड एट द बॉटम एंड ऑफ द सस्पेंशन स्ट्रिंग विच इज सिक्योर टू क्रॉस आर्म ऑफ द टावर. ये यहाँ से लाइन कंडक्टर जो है यहाँ आप यहाँ इसको यहाँ से इसको पास करेंगे. ईच डिस्क इन ए सस्पेंशन इंसुलेटर स्ट्रिंग इज डिजाइन फॉर ए लो वोल्टेज से 11 kV. लो वोल्टेज के लिए डिजाइन है 11 kV के लिए. द नंबर ऑफ डिस्क इन ए स्ट्रिंग डिपेंड्स ऑन द वर्किंग वोल्टेज. जैसे जैसे वोल्टेज मान लो जैसे 132 kV है तो हमें 12 जो है डिस्क की रिक्वायरमेंट्स है जो स्ट्रिंग में हम लगाते चले जाएंगे. सस्पेंशन इंसुलेटर्स आर प्रेफर्ड फॉर ट्रांसमिशन लाइन. सस्पेंशन इंसुलेटर जो है वो ट्रांसमिशन लाइन के लिए प्रेफर किए जाते हैं. इफ़ एनी ऑफ द डिस्क इज इंसुलेटर स्ट्रिंग इज डैमेज इट कैन बी रिप्लेस इजीली. रिप्लेसमेंट ऑफ द होल स्ट्रिंग इज नॉट रिक्वायर. ये एक अच्छा काम है इसमें कि अगर मान लो कोई डिस्क इसमें इंसुलेटर की जो स्ट्रिंग है उसमें से कोई डिस्क जो है वो ख़राब हो गई है तो हम उस डिस्क को ही रिप्लेस करेंगे, पूरे स्ट्रिंग को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है. इसके अलावा जो है और जो इंसुलेटर है वो है स्ट्रेन इंसुलेटर. ये भी इम्पोर्टेंट इंसुलेटर है. स्ट्रेन इंसुलेटर जो है वो सस्पेंशन इंसुलेटर से जो है स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ जो है इसकी ज़्यादा होती है क्योंकि ये यहाँ जो है ये ज़्यादा लोड जो है वेरी वियर करके चलता है. स्ट्रेन इंसुलेटर आर यूज एट ए डेड एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन और एट ए कॉर्नर और शार्प कर्व इन ऑर्डर टू सस्टेन दिस ग्रेट टेंशन. फॉर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन स्ट्रेन इंसुलेटर कंसिस्ट ऑफ एन असेंबली ऑफ सस्पेंशन इंसुलेटर. इन दिस केस द सस्पेंशन स्ट्रिंग इज अरेंज हॉरिजॉन्टली एंड द इंसुलेटर डिस्क आर इन वर्टिकल प्लेन. ये सिंपल है. सस्पेंशन स्ट्रिंग जो है वो हम इस तरह से लेके चलते हैं और ये जो है स्ट्रेन इंसुलेटर में जो सस्पेंशन स्ट्रिंग है वो हॉरिजॉन्टली इस तरह से काम में लेके चलते हैं. फॉर लो वोल्टेज लाइन लेस देन 11 kV सेकल इंसुलेटर आर यूज एज ए स्ट्रेन इंसुलेटर. जहाँ हमें स्ट्रेन इंसुलेटर जैसा काम हो यानी कि जैसे कि कहीं कर्व दिया हुआ हो तो वहाँ अगर हमें काम में लेना है तो हम सेकल इंसुलेटर काम में लेके चल सकते हैं. ये यहाँ डायग्राम दिया हुआ है स्ट्रेन इंसुलेटर का. यहाँ ये हमने ये कंडक्टर जो है यहाँ इस तरह से कंडक्टर यहाँ इस इंसुलेटर से
और टावर से ये स्ट्रेन इंसुलेटर इसको इंसुलेट कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट है सैकल इंसुलेटर। सैकल इंसुलेटर की अभी हम बात कर चुके हैं कि भाई जहां हमें स्ट्रेन इंसुलेटर की ज़रूरत है इस तरह के, यानी कि कर्व की, कर्व में जहां हमें काम में लेना है लो वोल्टेज के लिए, तो हम जो है सैकल इंसुलेटर काम में ले सकते हैं। सैकल इंसुलेटर आर यूज इन लो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एज स्ट्रेन इंसुलेटर्स। ये सैकल इंसुलेटर कैन बी यूज वर्टिकली एज वेल एज हॉरिजॉन्टली एंड इट कैन बी डायरेक्टली फिक्स टू ए पोल विद ए वोल्ट और टू द क्रॉस आर्म। इसको जैसे चाहे वैसे काम में ले सकते हैं, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, दोनों तरीके से जो है इसको काम में ले सकते हैं। ये इस तरह से आप, ये जो डायग्राम है वो इस तरीके से दिखाया हुआ है। ये है आपका सैकल इंसुलेटर। इसके अलावा है स्टे इंसुलेटर्स। दिस काइंड ऑफ इंसुलेटर आर ऑफ एग शेप। ये अंडे की शेप जैसी होती है, ऑल्सो कॉल्ड गाइस इंसुलेटर एंड आर यूज इन गाय केबल। इट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू इंसुलेट द लोअर पोर्शन ऑफ द गाय केबल फ्रॉम द पोल फॉर द सेफ्टी ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड। तो ये स्टे इंसुलेटर है, स्टे वायर में काम में आता है और लोअर पोर्शन ऑफ द केबल जो है, स्टे केबल या गाय केबल को पोल से जो है सेपरेट करता है। ये आप देख रहे हो कि ये जो है ये यहाँ काम में आता है गाय इंसुलेटर। तो ये जो है ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन का जो थर्ड मेन पार्ट है इंसुलेटर, आज हम उसको कवर कर चुके हैं।